आ, पर उन्होंने देखा नहीं कि मुंबई में बारिश होने वाली थी तो आई थिंक वो तो पर्सनली अपसेट हो गए थे कि उन्होंने ऐसे कैसे किया <laughs> लाइक ही चीटेड अस बिल्कुल, बिल्कुल मुझे भेजा था ना बारिश रुकवाने के लिए मैं गया था ग्राउंड पे रुकवाने के लिए और जो पार्थिव ने छाता लगाया था <laughs> पे पे। पर आज कोलकाता में बारिश का हाल ऐसा हुआ है कि हो रही है अब नहीं हो रही अब हो रही है अब नहीं हो रही मैच होगा नहीं होगा होगा नहीं होगा देखिए दो मैच है कोलकाता में और अब एंड मे में अगर आप कलकत्ता जाएंगे <laughs> तो आपको पता है वहां पे कैसी होने वाली है क्या होने वाला मौसम ऐसा ही बारिश वाला होता है होता है बहुत ज्यादा हर साल आईपीएल में उस टाइम पे एक आध मैच तो जाता ही जाता है बट या, पर आप बारिश तो आप रोक नहीं सकते आपको अगर नहीं होगी तो फिर खेलते रहेंगे अगर हो गई तो फिर बारह पचास रूल्स भी बहुत सारे अब अलग हो गए बिल्कुल तो फिर बताइए सर लोगों को क्या क्या बताइए कि अगर बारिश आज हो गई और बिल्कुल बारिश हो गई और तैरने वाला पानी हो गया वहां पे जो देखा हमने ईडन गार्डन में भाई ने एक बार देखा है तैरने वाले बोट वाला पानी हो गया था ईडन गार्डन में शेड उड़ गया था जो टीवी वाला शेड होता है वो उड़ गया था उसका छत उड़ गई थी अगर वो हुआ तो वन एंड टू का जो आज मैच है वन आगे निकल जाएगी अगले मैच पे और कल तीन और चार का मैच है उसमें से तीन आगे चली जाएगी तो जो स्टैंडिंग्स में ज्यादा ऊपर थे पॉइंट्स टेबल में वो आगे जाएंगे अगर मैच डिले होता जाए तो आपको पता है पहले सालों में सुना है लोगों ने कि पांच पांच ओवर के मैच भी हो सकते हैं ना कि लास्ट मिनट तक जाते रहे ओवर 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 का पर इस बारी, इस वीरू बार सुपर सुपर सर खाली मतलब मतलब ये मतलब खिला के भेजेंगे ही मतलब इमेजिन करो कि अगर वो रात के दो बजे वो एक ओवर के लिए सब तैयार हो गए

ओके okay, तो भाई ये है कहानी कि सुपर ओवर तक हो सकता है और अगर सुपर ओवर बिना तक ना हो पाए और कहें कि एक एक गेंद पता नहीं कैचिंग प्रैक्टिस टॉस ही करा के भेज दें घर ये बुरा लगता है कि आप आठ महीने स्काउटिंग करें फिर ऑक्शन करें फिर दो महीने तैयारी करें फिर दो महीने खेलें पूरा साल निकल जाता है और उसके बाद लास्ट की गेम में बारिश पड़ जाए और फिर आप ऐसे पैंथरों के वजह से आगे जाएं तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा तो हम हाथ जोड़ के ऊपर वालों से साइड वालों से सबसे प्रार्थना करते हैं कि दोनों मैच जो है ना पूरे हो जाए बस टोली कोलकाता से निकल के बस अहमदाबाद तक पहुंच जाए क्योंकि पार्थिव ने हमें गारंटी दी है कि भाई जब पार्थिव के परमिशन के बिना वहाँ पे परिंदा पर नहीं मारता तो बारिश कैसे गिर सकती है आ, बिल्कुल बारिश गिर ही नहीं सकते इतने मैंने एक हजार टिकट दे दिए तो लोगों के लिए फिर इतने सारे फोन आ रहे हैं बारिश अफोर्ड मैं खुद बारिश अफोर्ड नहीं कर सकता भाई है <laughs> <laughs एक, तो एक लोगों थी? ने पूछा इतना ज्यादा अब क्या करूं मैं बारिश अफोर्ड नहीं कर सकता अहमदाबाद में ये देखो स्टेडियम से बड़ा तो दिल्ली भाई का, <laughs> है? से अहमदाबाद पार्थिव ने ले लिया आइए मैच पे नजर ना गुजरात और राजस्थान आप जानते हैं नंबर वन और नंबर टू आज का मैच है क्वालिफायर जो जीतेगा उसको पांच दिन की छुट्टी फिर इंतजार करो बच्चे लड़ेंगे आपस में और संडे को आपके साथ खेलेंगे फाइनल कौन सी टीम Uh, क्या ग्यारह लेके उतरी है आइए पहले गुजरात की टीम पर uh, नजर डालते हैं टॉस किसने जीता टॉस किसने जीता गुजरात ने जीता टॉस चलो टॉस तो जीता आ, और चेजिंग ही करेंगे क्योंकि उनको चेजिंग का शौक है राजस्थान को बल्लेबाजी का शौक है रास्ते में बस में बात कर लेते तो सबका टाइम बच जाता पड़े नी में संजू सैमसन ने आई थिंक एक ही टॉस जीता ना अच्छा पूरे एक ही टॉस जीता एक या दो जीते हैं हैं मुझे तो दो टॉस जीते मैच है टॉस हो गए ना अब तो दो जीते सिर्फ पंद्रह से क्या, तो क्या करेगा उसके हिसाब से मेरी टीम खेलेगी <laughs> <भी> अच्छा है <laughs> क्योंकि मैं तो हार ही रहा हूँ जीतता तो नहीं पर आपने करप्टन कभी आप सोचते थे की यार आज ना कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है तो दूसरा ही जीत ले टॉस नहीं ऐसा कभी नहीं आप हमेशा पता होता था नहीं मैं मतलब तो अपनी टीम बनाता इसलिए था ना कि मैंने पहले बैटिंग करनी है तो उसके हिसाब से टीम बनाऊंगा या पहले गेंदबाजी करनी है तो उसके हिसाब से टीम बनाऊंगा वो आगे जाके अगर आप हार जाओ जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना जो हाथ में वो तो कर लो कि भाई ये मेरे हाथ में कि मैं ये टीम बना सकता हूँ ये मेरी बेस्ट इलेवन है कि जिसको मैं अगर बाद में बैटिंग करनी है तो ये मेरे गेंदबाज है इनको मैंने पहले बॉलिंग कराना ये मेरा सबसे हल्का गेंदबाज है इसको मैंने पहला ओवर कराना है सातवा ओवर कराना है नौवा ओवर कराना है और उसके बाद नहीं कराना तो वो तो पक्की थे दिमाग में था कि भाई ये चीजें तो मैंने करनी ही करनी फिर अगर आप टॉस जीत जाते तो आपकी पहले फील्डिंग आ गई हार गए तो बैटिंग आ गई फिर ये सोचते थे बीस पच्चीस रन अतिरिक्त बनाने पड़ेंगे क्योंकि एक अगर कमजोर बोलर हमारी टीम में तो उसको ध्यान में रखते हुए ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे यहाँ पर तो कोई कमजोर बॉलर नहीं है इतना बता दें आपको क्योंकि दोनों जो टीमें हैं ये गेंदबाजी के बलबूते पे पूरे पांच गेंदबाज खिलाए दोनों टीमों ने तगड़े गेंदबाज खिलाए आइए गुजरात की टीम पे पहले नजर डालते हैं क्या उन्होंने कोई बदलाव किया है पिछले मैच से एक बदलाव सिर्फ अलजारी जोसेफ आए हैं और लोकी को इन्होंने बिठा दिया है हम काफ़ी बात कर रहे थे कि क्या लोकी और अलजारी दोनों खेल सकते हैं टीम में हमें तो लग रहा था पार्थिव की खेले तो मज़ा आया पर टीम को नहीं लग रहा है नहीं बिल्कुल हम वही सोच रहे थे कि अगर शायद मैथ्यू वेट की जगह पे वो अल्जारी जोसेफ को ला सकते थे टीम में लेकिन आई एम श्योर उनको भी लग रहा था कि बैटिंग उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं बड़े मैच में जा रहे मैथ्यू वेट के पास वो इंटरनेशनल खेलने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए शायद उन्होंने उनको जगह दिए बट थोड़ा सरप्राइज़ ज़रूर हुआ क्योंकि जिस तरह से लॉकी फर्ग्यूसन ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया था बीच में थोड़ी गेम्स उनकी ख़राब हुई थी लेकिन वही सोच के वो वापस लाए कि ब्रेक दिया और फिर वापस खिलाए तो शायद इतने आप पहुंच के क्या आए इतने तक तो अब उनको वापस मौका देंगे लेकिन ऐसा ऐसा ये एसा है वाला सोच ऐसी है कि कहीं पे भी जाएंगे तो रिजल्ट आपको ऑलमोस्ट सेम जैसा ही मिलेगा लेकिन एक जरूर बात है कि उन्होंने बैटिंग में एक्सपीरियंस को ज्यादा तोज्जो दी है देखिए वीरू एक और बात है क्योंकि अगर आप दोनों के अगर आंकड़े देखें तो एक बड़ा एविडेंट है कि लोकी ऊपर अच्छी गेंदबाजी करते हैं ज्यादा विकेट निकालते हैं अलजारी जो है वो डेथ में इनके लिए काफी बड़ी उपलब्धि है पर जो आंकड़ों में नहीं दिखता वो है बड़े मैच का तजुर्बा जो है यू you नो know, जो सिचुएशन आज क्वालिफायर है बड़े मैच में ऑब्वियसली लोग की ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं तो वो नहीं दिखता आंकड़ों में कल हमने जब रिव्यू किया था तब भी ये प्रिव्यू प्रिव्यू कहते हैं कि रिव्यू कहते हैं रिव्यू रिव्यू किया अभी यही बात कर रहे थे हम <laughs> इतने इतने सब कुछ कर लिया याद भी नहीं है कब क्या कर रहे थे <laughs> तो ये लोकी की बात कर रहे थे और मैंने ये भी कहा था कि भाई जोसेफ की जगह लोकी को खिलाएंगे बट हम लोग ये भी डिस्कशन कर रहे थे कि मैथ्यू का ना वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है गुजरात के लिए जितने भी वो मैच खेले हैं उसमें एक भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने कोई कॉन्ट्रीब्यूट किया yeah. हो सकता है कि मैं गलत हूँ आज वो कॉन्ट्रीब्यूट कर दे अपनी टीम के लिए आज हो सकता है मैच भी जिता दे बट इतने टाइम से अगर उन्होंने रन नहीं बनाया तो मैं होता तो मैं दोनों गेंदबाजों के खेलता क्योंकि अपनी गेंदबाजी तो मैं पक्की करता ठीक है मैथ्यू एड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए तगड़ी बल्लेबाजी की पाकिस्तान के खिलाफ जिताया है भी उन्होंने वर्ल्ड कप लेकिन यहाँ पर उन्होंने जितने भी मैच खेले कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है तो वो जितने रन बीस पच्चीस तीस रन जो वो बना रहे हैं वो तो कोई इंडियन बैट्समैन भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है लेकिन yeah. अगर आपकी गेंदबाजी और मजबूत हो जाए yeah. तो फिर आपको ये चांस हो जाता है कि हाँ भी दूसरे की दूसरी टीम में दो या तीन ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको अगर हमारे टॉप गेंदबाज आउट कर देंगे और जल्दी और हमारा काम हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर आप जॉर्ज बटलर देख लें संजू सैमसन देख लें अगर आप जॉर्ज बटलर और संजू सैमसन को जल्दी उड़ा सकते हैं तो फिर तो आपने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी बिल्कुल शुरुआत में जब आप अटैक करेंगे जो बिरूबा बात कर रहे हैं क्योंकि जैसे नंबर्स हमने देखे कि लॉकी फर्ग्यूसन के नंबर ऊपर अच्छे हैं अल्जारे जोसेफ के नीचे अच्छे हैं तो आपने दोनों साइड से लॉक करके रखा है ना आप शुरुआत में अगर बटलर को आउट कर देंगे सैमसन को आउट कर देंगे तो उसके बाद में क्या होगा कि आप गेम खोल सकते हैं आप किसी को भी स्पिनर को भी बीच में वो डलवा सकते हैं हार्दिक पंड्या के एक दो ओवर जा सकते हैं अटैकिंग सोच सकते हैं बीस ओवर तक जनरली जब आपके पास एक बॉलर जब होता है ना जैसे आप हल्का तो नहीं कहेंगे लेकिन जो पांचवा बॉलर का ऑप्शन है अगर वो होता है तो आप पूरा का पूरा गेम अटैकिंग नहीं सोचते अब बीच में सोचते कि जब विकेट जाएगी तो किसी को दे देंगे या फिर पार्टनरशिप तोड़ने के लिए कभी दे देंगे बट यहाँ पे अगर पांच पूरे बॉलर हो तो आप थ्रू आउट द गेम अटैकिंग सोचते हैं और जब प्ले ऑफ का गेम है सबने रूपा ने रो भी इतना खेला है मैंने भी प्ले ऑफ के गेम्स खेले है कि थोड़ा सा अंडर प्रेशर बैटिंग में ना वो होता ही होता है क्योंकि अब शुरुआत जब नहीं होती तो अगर दो विकेट चले जाए तो सोचते हैं अगर एटलीस्ट ऐसा टोटल बनाते हैं जहाँ पे फाइट करें फिर वो जो अप्रोच अटैक वाली होती है ना थ्रू आउट वो साइड में हो जाती है फिर सोचते हैं यार एक मौका देखते हैं 130 सौ तक पहुँचते हैं फिर क्या होता है तो आपके ऊपर अगर पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो पूरा अटैक के साथ खेल सकते हैं आई थिंक है। अच्छी बात ये रही है कि टॉस जीत गए तो फील्डिंग कर रहे हैं या तो पहले ये हुआ कि गेंदबाजी से मैच हार नहीं सकते तो आपका जो बैट्समैन है मैथुवेड वो काम आएगा अगर उसने रन नहीं बनाने तब आप बाद में सोचोगे यार मैथ्यूट की जगह वो वो कर रहे है हैं इन्होंने मतलब से जीते बिल्कुल गुजरात तो की टीम वो जरूर है कि वो काम जरूर आएगा Matthewed क्योंकि बाद में बैटिंग है बट लेकिन कितना कॉन्ट्रीब्यूट वो करेंगे वो एक सवाल है yeah. पर देखिए अटैकिंग में कोई कमी नहीं है क्योंकि मोहम्मद शमी है वहां और मोहम्मद शमी ने गुजरात के लिए विकटे निकाली है पावर प्ले में तो आज भी कप्तान उनको देख रहे होंगे कप्तान खुद बॉल लेंगे या नहीं पता नहीं पावर प्ले में डाल ही रहे हैं बॉल वो पर शमी जरूर उनके लिए एक ट्रम्प कार्ड होंगे के ऊपर अगर एक दो तगड़े बल्लेबाज निकाल दे राजस्थान के तो भाई वाह भाई वाह है जीटी के लिए आइए राजस्थान की टीम पर एक नजर डालते हैं किन को लेकर गए हैं सेम को लेकर गए हैं सेम सेम क्यों बदलें अगर कुछ टूटा ना हो तो क्यों करें बदलाव बिल्कुल हम वो, कल वही बात कर रहे थे कि क्या उबैद मको की जगह कुलदीप सेन ने जो अच्छी बल्लेबा गेंदबाजी करी है क्या उनको लाएंगे बट वो किया नहीं और आई थिंक यू नो कई बार सोच ऐसी भी होती है कि अपने थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर एक कॉम्बिनेशन से गए हैं एक जो चीज़ें जो प्लेयर्स को बैक किया है तो आप मेरा you know, बड़े मैच में वही सोचते हैं कि वही सोच रखें कुछ किसी को नया चेंज करेंगे तो कॉम्बिनेशन चेंज होता है और जिस तरह के अवैध मकोए के जो आंकड़े हैं वो उन्होंने स्लॉग में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर ली वही है क्योंकि और बाकियों के अगर आंकड़े देखेंगे ना प्रसिद्ध कृष्णा कुलदीप सेन या ट्रेंड बोल्ट उनके द, एक प्रसिद्ध ऑलमोस्ट दस तक है कुलदीप सेन बारह के ऊपर है ट्रेंड बोल्ट तेरह के ऊपर है तो उनको राजस्थान के दिमाग में होगा कि पीछे गेंदबाजी करने वाला कोई गेंदबाज़ है नहीं अपने पास तो इन सब में सबसे अच्छा गेंदबाज़ हमारा अवैध मकोए तो उसी के सोच के साथ वो आगे गए या आई थिंक ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी उनके लिए कि आप नहीं तो लीक कर गए एंड में तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर एक तो चाहिए आपको थोड़ा जो बट चौदह मैचों में यही तो रियलाइज़ करते हैं अगर प्ले ऑफ खेलेंगे तो कौन सा बॉलिंग अटैक है या कौन सा गेंदबाज है जो स्लॉग में बेहतर गेंदबाजी करेगा तो उसको हम लोग प्ले ऑफ़ में ज़रूर रखेंगे और ये अच्छी बात है कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया पिछले कुछ तीन चार मैचों में जो वो खेले हैं मकोए वरना तो ये होता है कि आप बदलते रहते और उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं आती तो फिर आप कन्फ्यूज़ होते कि सैन के साथ जाएं कि मकोए के साथ जाएं यार मतलब दोनों ही एक जैसे हैं तो वो एक दिक्कत आ जाती है तो अच्छा रहा कि कुलदीप सैन जब बैठे और मकोए आए खेलने उन्होंने कंट्रीब्यूट किया आ, मतलब मैं ही, मैं ही सोचता हूँ कि 10-11 रन भी ठीक है बुरी है बुरी नहीं है लास्ट में क्योंकि अगर पाँच में आपको पचास चाहिए और आपने उन्हें दस से कम में दे के निकल जाते हो तो आप एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपनी टीम के लिए और एक गेंदबाज़ ऐसा ज़रूर होना चाहिए आप में जो लास्ट में भी चाहे वो चहल हो चाहे वो ट्रेंड बोर्ड हो कि एक तो डाले ऐसा जो दस मतलब पाँच छः रन का ओवर डाल के निकल जाए जो हर टीम में गेंदबाज़ ऐसा है जब आता है तो लास्ट के चार पाँच ओवरों में वो छः रन सात रन का ओवर डाल के निकल जाता है वो एक भी डल जाता तो फिर सारे सन्हारी बदल जाते बिल्कुल सारी कैलकुलेशन सारी गणित जो है वो बदल जाती है और चेजिंग टीम के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती है भाई क्रेडिबल एडवाइस देखते हैं हमारी आज की क्या है पावर्ड बाय क्रेडिट बी लोन्स एनी टाइम एनी और आज की एडवाइस है कप्तानों के लिए जी हाँ हमारे दोनों भाई हमारे दोनों भाई कप्तानों को एडवाइस देंगे तो आप इम्प्रेस रहे हैं संजू सैमसन से आई थिंक yeah. हाँ मुझे लग रहा था कि जिस तरह से उन्होंने लास्ट ईयर कैप्टनसी करी इस साल उन्होंने बहुत बढ़िया कैप्टनसी करी है तो बेरो uh, कैप्टन का रोल ऐसे बड़े गेम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब जैसे खेलते जाते हैं अंडर प्रेशर डिसीजन लेने होते हैं तो आपको वो काम रहना है वो उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट किया है तो वही एडवाइस या सजेशन जो आप भी कहें कि वो जो काम करते हैं वही चालू रखे क्योंकि कल हमने बहुत एडवाइस और सजेशन दे दिए सजेशन दे दो ना क्योंकि मैं कल अंग्रेजी था <laughs> तो कि आप काम रहे आप और दूसरा जब बल्लेबाजी कर रहे हैं तो थोड़ा सा और जब तीस बॉल का जो उनका जो आंकड़ा बन गया है कि तीस बॉल के क्रिकेट खेल गए थोड़ा सा अगर चांस मिले तो उसको चालीस पचास बॉल तक लेके जाएं अगर वो चालीस पचास बॉल तक लेके गए तो उनके रन्स भी सत्तर अस्सी या नब्बे बन सकते हैं तो आई थिंक यू नो थोड़ा और समय बिताए और रिलैक्स रहे और जो एक्चुअली थोड़ा इनका बड़ा सॉरी थोड़ा सेल्फलेस लगा है जैसे इन्होंने बल्लेबाजी करी है कि टीम के लिए ही कर रहे हैं दूसरी तरफ कोई मार रहा है तो अगर किसी को तीन पे भेजना अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं नीचे आने के लिए मेरे को तो देख के ऐसे लगा कि टीम के लिए तगड़ा खेले ये नहीं वो हंड्रेड परसेंट तगड़ा खेले इसलिए बहुत इंप्रेस भी किया लेकिन आपने जिस बल्लेबाज के लिए अपनी जगह सेक्रीफाइस है कि अगर आपने अश्विन को तीन नंबर भेज रहे हो और अश्विन चालीस गेंद खेल के पचास रन कर रहे हैं और अगर खुद संजू सैमसन चालीस बॉल खेलेंगे और फिर सेट हो जाएंगे तो वो अस्सी नब्बे रन बनाएंगे Correct. तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो एक चीज़ होनी देखनी होगी कि आप किस तरह से आप कौन से प्लेयर को जो आगे भेज रहे हैं बट कामनेस जो उन्होंने दिखाई लास्ट ईयर से इस साल उसमें उससे बहुत प्रभावित हूँ तो बेसिकली कह रहे हैं कि कीप काम एंड कीप काम से काम शेड हमारे पास ऐसी पर हमारे दूसरी तरफ भी बड़े काम रहे भाई काफी ठहराव दिखाया है कप्तान हार्दिक पांडे ने भी वीरू नहीं बिल्कुल मतलब किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी अच्छी कप्तानी करेंगे मतलब जिस तरीके से जन क्या होता है कि जिस तरीके से आप बल्लेबाजी करते हो ना उसी तरीके से आप कप्तानी भी करते हो लेकिन बल्लेबाजी करने के लिए लेकिन कप्तानी में बड़े cool नजर आए। yeah. तो शायद समय ना। ऐसे भी की जा सकती है जैसे एम एस धोनी करते हैं वरना तो अपना स्टाइल बन जाता ना एक yeah. बट इन्होंने कहीं की नहीं तो पता नहीं कौन सा स्टाइल है बट अगर एक एडवाइस दूं तो मैं वो पुराने हार्दिक पांड्या की तरह खेले खौफ दिखना चाहिए बॉलर के अंदर जब वो उनको गेंदबाजी करने आए Irrespective of किस नंबर पर वो बल्लेबाजी कर सरकार और हार्दिक पांडे का सबसे कम है इंडियन कैप्टन में तो सबसे कम स्ट्राइक रेट हार्दिक पांडे जबकि उल्टा होना चाहिए हार्दिक पांडे का स्ट्राइक रेट सबसे बेटर होना चाहिए इनमें तो वो वो खौफ तभी नजर आता है ना गेंदबाजों में जब आप उनको मारते हो तो वो शायद इन्होंने ये सोचा कि नहीं मैं नंबर बैट्समैन की तरह बैटिंग करूंगा आई थिंक वो भूल जाए कि आप बैट्समैन की तरह बैटिंग करेंगे ये ध्यान रखें कि मेरा काम है क्या एक कहावत है मैं भूल गया अगर मुझे याद आई तो बताऊंगा कि मेरा काम है वहां गया और जो बॉल मुझे मारने के लिए मैंने वो मारी yeah. उसका रिजल्ट क्या होगा मैं आउट होगा चौका जाएगा छक्का होगा वो परवाह ना करते हुए तो अगर वो खेलें अगर सेंसिबली खेलना तो कोई और खेल सकता है उनकी जगह बट वो खौफ रखें दूसरी टीम के अंदर की भाई हार्दिक पांडे अगर स्पिनर आया तो पहले और मैं दो तीन छक्के मारेंगे फास्ट बॉलर आया मिली गेंद तो मैं चौका छक्का मारूंगा मुझे आ, कहावत तो याद नहीं है पर मुझे बच्चन साहब का डायलॉग याद आ घर से निकलता हूँ तो सर पे कफन और जेब में इस्तीफा बिल्कुल उसी तरह से उसी तरह तो 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 से नहीं, तो ले नहीं वो शायद जो बोलेगा मैं पेपर दे दूंगा या पेपर ले मैं कहावत की जब वो गंडासा तो चलता है उसके अंदर आप जब क्या जवर है जो भी डालते हो वो उसका काम है उसको काटना या। yeah. वो ये नहीं है कि यार मैं काटूंगा तो इसको चोट लग जाएगी oh. तो हार्दिक पांडे को मैं उनका काम है काटना बोल रखो तोड़ना ये नहीं कि यार मैं इसको मारूंगा तो बेचारे को डर लगेगा या इसको yeah. चोट लग जाएगी ये सोचना उनका काम नहीं है उनका काम है बस बोल को मारो मतलब खौफ नजर आना चाहिए जब वो बल्लेबाजी करे यार हार्दिक पांडे का कोई वाइड इधर फेंके कोई वाइड उधर फेंके तो जैसे वो मुंबई के लिए आते थे ना जब

खतरनाक खिलाड़ी जैसा कि वीरू कह रहे हैं खौफ जिनको देख के खौफ है कि आज भाई ये चल गया अगर तो हमें दौड़ना पड़ेगा ठीक है यहां पे थोड़ा कम है इसलिए शायद हार्दिक को क्योंकि गेंदबाजी तगड़ी है इनकी पर बल्लेबाजी सबने कहा है कि ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसको देख के अपना डर जाए हार्दिक पांडे अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं तो उनको भी अपना मोर द रीजन उनको उस तरह से बैटिंग करनी चाहिए मार के क्योंकि आपके पास शुभन अप्रोच से खेलते हैं आपके पास ऊपर वो तो है, है। वो, वो, तो ऊपर जाके बल्लेबाजी करते मैथ्यू वेड भी ऐसे बल्लेबाज नहीं है कि आपको एक सौ चालीस पचास की स्ट्राइक रेट से लगातार ऐसे बल्लेबाजी करेंगे तेवेत है की जब तक बैटिंग आती है तब तक तो बहुत टाइम हो गया होता है डेविड मिलर भी उस तरह के बल्लेबाज हैं जो थोड़ा शुरुआत से नहीं मारेंगे समय लेंगे तो उनके पास वो चीज तो है कि अगर मैं आउट भी हो जाता हूँ तो सॉलिडिटी के लिए मेरे आजू बाजू में

आप एक मैच खेले हैं ऐसे मुझे याद है क्या 2009 का था वो जब एडम गिलक्रिस्ट वाला मैच था आप लोग कितने जीत के आए थे उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में थे उस समय हाँ मतलब मुझे भी याद नहीं मतलब दस ग्यारह मैच आई थिंक दस या ग्यारह रिकॉर्ड था उस साल उसका जीत के आए थे और वो नंबर चार की टीम थी पर वो जब आप खेलने आए प्ले ऑफ या उस वक्त सेमीफाइनल होता था उस टाइम जो किए ग्यारह वो तो रह गए ना पीछे आप

उस दिन अगर दूसरी टीम के एक खिलाड़ी ने बल्लेबाजी ऐसी कर दी जो कि गिलक्रिस्ट ने की थी हमारे तो आप कुछ नहीं कर सकते पहले ही ओवर में शायद उन्होंने चार पांच चौके ऐसे लगाए उसके बाद हम एक दूसरे की शकल देख रहे कि दूसरा डालेगा कौन आ, क्योंकि पहले ही ओवर हाँ एक डाक नैनस से शायद गेंदबाजी हमारा बेस्ट बोलर था और मैं जिसकी तरफ देखूं वो मुंह फेर ले <laughs> तो फिर क्या मतलब आप उन्होंने बैटिंग इतनी तकड़ी कर दी उस दिन हालांकि रन हमने एक सौ सत्तर अस्सी लगाए थे बोर्ड पे ऐसा नहीं है कि हम लोग आउट हो गए थे जल्दी

मैं ये भी कोशिश कर रहा था एज ए कैप्टन तो दूसरे ओवर तो तो अच्छा <laughs> तो की पहली गेंद पर तो स्ट्राइक रोटेट होगी और उसके बाद उस बंदे को स्ट्राइक ही नहीं मिली तो लास्ट बॉल पे वो जैसे तैसे सिंगल भी मिल जाए गिलक्रिस्ट को पांच बोला वो मैं पहले भी तो हम तो प्रैक्टिस कराने गए थे उस दिन को एग्जैक्टली exactly, तो हम लोग यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आज अगर इतना बड़ा मैच है तो हार्दिक अगर खुल के खेले तो हार्दिक भी वो खिलाड़ी हो सकते हैं जो विद द बैट जो राजस्थान को घेर दे राजस्थान के पास जो गेंदबाज है पर क्योंकि उनकी जरा बात करनी पड़ेगी क्योंकि पर्पल कैब जो है उनके सर पे है मैंने उनको मैसेज भेजा था कुछ दिन पहले मैंने कहा कि यूजी को मैंने कहा पर्पल कैब छोड़ना वहां ठीक है निकलने लीजिए आज से तो उसका मैसेज क्या है बाबा येस भैया ओके भैया ओके वो ऐसे ही बात करते हैं और कुछ ज्यादा है नहीं बात उतनी ज्यादा फोन पे तो नहीं करते वैसे हाँ नहीं, 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 नहीं बात क्या थी पर वैसे यस भैया ओके भैया पर इस बार यस भैया ओके भैया करके भाई इतनी विकटें निकाल ली उन्होंने इनफैक्ट हमारे साथ वीरू अंतरयामी बैठे हैं यहाँ पे हाँ पार्थिव पटेल ने प्रिडिक्ट किया था कि यूजी चहल को पर्पल कैप मिलेगी सबसे ज्यादा विकटें लेंगे अपने करियर की नहीं आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकटें लेंगे आपने ये बोला था कि कि ऐसा सीजन होगा इनका 32 32 विकेट्स जो जो लास्ट और और विकेट एक का ब्रावो ब्रावो और, और का रिकॉर्ड है वो हर्षल तो मैंने मतलब जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि हर मैच में उनको विकटे आएंगी आएंगी क्योंकि कंट्रोल में लग रहे थे और ऐसा कई बार होता है ना कि विकटे आ जाती है लेकिन यहाँ पे ऐसे विकटे आ रही थी कि उनको लग रहा था कि बैट्समैन को थोड़ा सा सेटअप करके खेल रहे फिर उनको जरा स्टम्प करा रहे हैं या फिर दो डिफेंस करा के फिर एल बी डब्ल्यू कर रहे हैं बोल्ड कर रहे हैं तो आई थिंक वो एक दर्शाता है कि आप अपनी बॉलिंग में पूरे कंट्रोल में आपको पता है आप क्या डिलीवरी डाल रहे हो और एक दूसरा भी एक वो था कि उनकी गेंदबाजी का ना जो क्रम था ना वो चेंज हो गया जब तो उनको स्लॉग में गेंदबाजी करा रहे हैं तो जब सत्रहवा अठारह ओवर डालते हैं और जब आपने वो क्वालिटी है तो आपकी विकेट लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है तो आई थिंक वो सब सोच के मुझे ऐसा लगा कि और कई ऐसे जैसे आपने कहा कि अंदर से फील आ जाती है ठीक हैश टैग फील्स तो उसको आप समझा नहीं सकते लेकिन मैं बहुत जिस तरह से इंप्रूव किया स्पेशली सेटबैक इन इन्हें लाइफ के वर्ल्ड कप में नहीं आए थे पिक नहीं किया था और वहां से आके

पंछी के ऊपर मिट्टी लगा के उसको ठीक करते हैं और फिर उड़ान भरता है वो तो आज जो है आपके पुराने मित्र का रिकॉर्ड तोड़ने के पास है कि किसी भी स्पिनर ने अमित मिश्रा से ज्यादा विकेट नहीं ली और उनसे एक पीछे है ये ऑल टाइम आईपीएल इतिहास में और वो भी हरियाणा के ही हैं ये भी हरियाणा के हैं अमित मिश्रा 154 विकेट दुष्येंद्र चहल नहीं नहीं राइट राइट 166 और 165 बिल्कुल नहीं मतलब देखिए और उनसे कितने कम मैच खेले ये भी देखिए एक सौ चौवन खेले हैं मिश्रा ने और इन्होंने एक सौ अट्ठाइस खेला सबसे कम मैचेस में इतनी ज्यादा विकटे लिया वो क्यों लिए क्योंकि शातिर दिमाग है उनका या yeah. वो जो कहते हैं ना कि चेस खेलते हैं अगर बल्लेबाज ऑफ साइड में मारता है तो मैं टांग के बाहर डालूंगा कोई टांग के बाहर स्वीप स्लॉग मारता है तो मैं ऑफ साइड के बाहर डालूंगा कोई दोनों तरफ मारता है तो मैं बिल्कुल विकेट में सीधी फेंकूंगा तो वो जो चेस की तरह इस्तेमाल करते हैं अपनी गेंदों को और हमने देखा है कि बड़े बड़े बल्लेबाजों को ना ललचाते हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर वाइड की तरफ फेंकते हैं जहां पर बल्लेबाज का कंट्रोल ही नहीं होता कि वो कंट्रोल करके छक्का मार सके yeah. कोई एक आधा ही बैट्समैन है जो उतनी बाहर की गेंद पे अपना बॉडी बैलेंस बना के छक्का मार सके वरना ज्यादातर ऑफ बैलेंस हो जाते हैं और आउट होते हैं yeah. तो ये बैट्समैन नहीं समझते mm. जो वो वो गेंदबाजी जब करते हैं ना ऑफ ऑफ्टम के बाहर या लेग लेक्स्टम या कई बार क्या होता है कि आप सीधा देख रहे हैं और बॉल आपके आगे से ड्रिफ्ट होकर टांग पे गिरती है तो आपको अपनी बॉडी खोलनी पड़ती है तो आप आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हो उसको शॉर्ट खेलने के लिए तो वो समझदारी युजेंद्र चैल ने बोल दिया जो कि शेनवान करते थे शेनवान फेमस थे जब वो लेग स्पिन करते थे तो उनकी गेंद लेग लेम के बाहर पिच होती थी तो आपको वो ओपन चेस्ट कर देते थे, थे कि आप उधर जाएं खेलने और वहां से जब घूमेगी या तो कॉट बैंड हो या बोल्ड हो आई थिंक वो बहुत बढ़िया मिश्रण किया है गेंदो गेंदों का युजेंद्र चैनल ने शे और, और मात कर देते हैं चेस के खिलाड़ी आपको एक बार ही किया था उन्होंने तो 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 उट था, <laughs> था, था वो हमारे oh! <laughs> <laughs> और, <laughs> और फिर उस तूफानी रात में क्या हुआ बताएंगे पार्थिव पटेल वीरेंद्र सहवाग मारने गए कट बिहाइंड अपील कर रहा था मैं तो अपना काम कर रहा था अब अंपायर ने अपना काम कर दिया लगा नहीं था आउट दे दिया तो फिर उसके बाद

कि अमित मिश्रा ने जहाँ पे मैचेस खेले और युजवेंद्र चहल ने जहाँ पे मैचेस खेले सिन्ना स्वामी स्टेडियम में यहाँ पे मैचेस खेल के जो अंतर इतना ज्यादा है ना वो बहुत ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे तो मतलब फॉर फन ऐसे छक्के लगते हैं अमित मिश्रा ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी लेकिन उनको कई बार ना विकेट की हेल्प मिल जाती थी दिल्ली की हैदराबाद दिल्ली जो हाँ, हैदराबाद बड़ा ग्राउंड या थोड़ा सा स्लो विकेट टर्नर मिलता था लेकिन कभी भी बैंगलोर में आपको टर्नर में देखने को नहीं मिलता था और सिक्स सीटिंग के लिए भी बहुत आसान सा ग्राउंड था वहां पे इस तरह की गेंदबाजी करना इसलिए

क्योंकि राजस्थान को शौक है पहले बल्लेबाजी करने का और गुजरात को शौक है चेजिंग करने का का तो ये बिल्कुल बिल्कुल आज टक्कर मुकाबला ही है तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना आप एज ए कैप्टन आप टीम बनाते हो कि मैंने क्या करना है या पहले, पहले गेंदबाजी करनी है या पहले बल्लेबाजी करनी उस हिसाब से आप अपनी टीम बनाते हो फिर आप सोचते हो कि अच्छा यार मैं आज टॉस जी जाऊं तो मजे आ जाएंगे कि जैसे हमने भी वो जो 2009 की बात कर रहे हो तो टीम तो हमने बनाई थी कि हम चेज करेंगे बट वो तो गिलक्रिस्ट टॉस जीत हमें बैटिंग पहले करनी पड़ेगी yeah. तो हम हार गए लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों अगर दोनों कप्तान ऐसा चाहते हैं तो मुकाबला फिर टक्कर का देखने को मिलेगा ना hmm. सरफेस का कुछ नहीं पता हमको क्योंकि कोलकाता में कोई मैच हुआ नहीं है सारे लीग स्टेज के सत्तर मैच जो हुए थे वो मुंबई और पूना में हुए और अब ये दो मैच आज और कल के खेले जाएंगे कोलकाता में और उसके बाद फ्राइडे का जो क्वालिफायर इलिमिनेटर दोनों है वो

का पूरा नॉकआउट्स का जो था वो टूर्नामेंट वहाँ पे इसी ग्राउंड पे खत्म हुआ है तो ऐसा नहीं होगा कि पूरी की पूरी आपको फ्रेश पिच नजर आएगी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे थ्री डे मैचेस भी हुए हैं उस ग्राउंड पे तो जो बारिश जब होती है तो भले ही आपने रोल करके रखा होगा क्योंकि आप चाहते हैं कि रन हो ना ऐसे बड़े मैचेज में एक सौ वाले मैच नहीं रखते क्योंकि बारिश का भी उन्होंने ध्यान में रखा होगा या घसीटे नहीं चाहिए घसीटे चाहिए भाई मजेदार बैट भी हो बॉल भी हो फील्डर भी हो क्राउड भी हो सबको प्ले में आना चाहिए

<laughs> नहीं मजाक कर उठा आज, आज एन नहीं ना, इसलिए रहे पार्थिव डर ऐसे रहा था पता नहीं कोई जायदाद ले लिया उसके दे 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 दे, गलत हो गया ठीक है नहीं लेंगे खुला मैदान छोड़ दिया भाई के लिए बीच में आने के लिए 163 और 190 के बीच में अ सौ अस्सी 180 सी मेरा 180 चलो या एक सौ बयासी अभी कुछ और कुछ चेंज करना आगे भी शायद, <laughs> शायद। <laughs> से इतना लो से इतना लोग लोग क्यों क्यों पूछे ऐसी देखिए पूरे साल रन बनाए राजस्थान के बल्लेबाजों ने आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं शायद एक दो आउट हो जाएंगे तो प्रेशर में इतने ही बनेंगे डेढ़ सौ एक सौ साठ प्रेशर गेम है प्रेशर गेम है मतलब इतना आसान नहीं है प्लेऑफ में कितनी बार देखा आपने दो सौ रन बने हैं ट्रू सही बात है पार्थिव मैंने दिया शातिर शातिर ने। शातिर। क्या सोच रहे तो तो <laughs> अच्छा, मुझसे ज्यादा कप्तानी तो नहीं गुजरात के लिए इंडिया के लिए नहीं कर पाए या आईपीएल में नहीं कर पाए लेकिन बाकी तो मैच तो बाकी जगह तो कप्तानी पूरे गुजरात को संभाल के रखा है हर फॉर्मेट में सही बात है वैसे यहाँ भी संभाल के रखा है हमको भी संभाल के रखा हुआ बट ये जो इन्होंने एक बात कही ना कि मुझे अंदर से फीलिंग आई कि चहल सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे ये मुझे कभी नहीं आई ऐसी फीलिंग <laughs> ना कभी बैटिंग करते हो सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि उन्हें बॉल दिखती है सिर्फ बॉल दिखती है yeah. पीछे कुछ नहीं दिखता बॉलर कुछ नहीं दिखता मतलब दो तीन सौ महीने बनाया मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ yeah. ड्राउड भी यही बातें करते हैं लक्ष्मण भी मैं उस जोन में जाता हूँ जहा उन्हें सिर्फ गेंद दिखती है और पीछे कुछ नजर ही नहीं आता सब ब्लर होता है मैं दो बार तीन सौ बना के मुझे ऐसा एहसास आज तक नहीं हुआ वो फीलिंग मुझे क्यों नहीं आती आपकी है ठीक <laughs> है तो तो सहवाग एक है नहीं तो बहुत सारे होते वीरेंद्र एक बट मैं एक बात कर रहा हूँ ना अंदर से कई बार गट फीलिंग आती मेरी तो कभी गट फीलिंग हुई नहीं मेरा तो गट ही खराब है चलिए भाई इनको जब आपके पास घट्स हो तो आपको फिर गट में में कुछ नहीं चाहिए होता है है ठीक <laughs> आपकी इकट्ठा <laughs> तो कर लिया यहाँ पे और यार नहीं? बिल्कुल आज मेरा भी तो लग गया है अटेंडेंस मुझे भी लगानी है मैच पार्टी में आज चलिए अगर आप लोग हमें सुन रहे हैं तो जल्दी मैच पार्टी पे आइए कुछ सवाल हो जो मैं जिनके जवाब दे सकूं तेंडुलकर ड्राविड गांगुली के उनकी कुछ पोले खोल सको तो भेजिए इससे ज्यादा कोई बोलने की इससे ज्यादा कोई कुछ बेच ही नहीं सकता भाई तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं आप देख रहे थे क्रेडिट बी प्रेजेंट्स क्विक बस लाइव क्रेडिट बी लोन्स एनी टाइम एनीवेयर वीरेंद्र सेवाक पार्थिव पटेल गौरव कपूर हाजिर होंगे राजस्थान की बल्लेबाजी के बाद जब वो बनाएंगे 182 रन हाय